तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने मतलब यार डेवलप कर लिया एक सिंपल सा गेम और जिसमें मतलब यार फर्स्ट पर्सन कंट्रोल इजीली वर्क करें और आपको भी बनाना है तो आप भी बना सकते हो। उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो दो कैरेक्टर और शिज़ुका कैसे नाच रही है। इस तरीके से आप FPS कंट्रोल बना सकते हो। आज के इस वीडियो में मैं फुली एक्सप्लेन करूँगा, वो भी यार आपको इजीली आप बना पाओगे और आपको कुछ स्क्रिप्ट्स मिलेंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए यूनिटी गेम इंजन जो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो। तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया यूनिटी। हाँ दोस्तों, यूनिटी मेरे लिए बहुत पॉपुलर गेम इंजन है और यूनिटी में आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आपको जाना है विंडोज टैब में, वहाँ पे आपको एसेट स्टोर सर्च करना है और वहाँ पे जाने के बाद आपको एक जॉयस्टिक का पैक इंस्टॉल करना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे सर्च करके आपको दिखा लेता हूँ कौन सा जॉयस्टिक का पैक आपको इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको एक मतलब यार थंबनेल टाइप दिख रहा होगा, उस पर टैप करना है और ये वाला जॉयस्टिक का पैक आपको इंस्टॉल कर देना है। अभी ये इंस्टॉल आपको डाउनलोड कर देगा तो ये आपके पैकेज मैनेजर में आ जाएगा। तो इसलिए मैं दिखा देता हूँ, विंडो सेक्शन में जरा पैकेज मैनेजर का ऑप्शन होगा और यहाँ पे आपको माय एसेट्स क्लिक कर आएगा और वहाँ पे आपको सर्च करना है ऊपर जॉयस्टिक और वहाँ से आपको एक इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा राइट साइड में, वहाँ से इंपोर्ट करना है और फिर वो आपके एसेट्स में ऐड हो जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो आपको ज़रूर डाउनलोड करना है क्योंकि उसका आगे यूज़ होने वाला है इसी मतलब यार FPS कंट्रोल के वीडियो में जो आपको नीचे देख रहा होगा मेरे एसेट्स के फोल्डर में सेक्शन में FPS वाले। अब हमें एक क्यूब बना देता हूँ मैं जो हमारा ग्राउंड प्लेन होगा जो मतलब यार इजीली ग्राउंड की तरह वर्क कर गया एज ए टेरेन आप समझ सकते हो। तो वो ग्राउंड होगा तो एक सिंपल सा क्यूब यूज़ कर लेता हूँ मैं, टेरेन भी यूज़ कर सकता था लेकिन इसे मैं मतलब यार एक्स एक्सिस पे 100 के मीटर का साइज़ दूंगा और जेड पे 100 मीटर, मेरे ये दोनों साइज़ में प्रोवाइड कर देता हूँ और ये मतलब यार ग्राउंड की तरह लुक हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमारा जो मेन कैमरा है उसे भी हम लोग रीसेट कर देते हैं पोजीशन उसका। रीसेट करने के बाद हमें क्या करना है, एक 3D ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, कैप्सूल जो होगा हमारा मेनली प्लेयर और इसको नाम दे देता हूँ मैं प्लेयर करके क्योंकि मतलब यार मेनली हमारा जो प्लेयर है वो भी यार वही होने वाला है कैप्सूल। तो उसी के अंदर हमें फर्स्ट पर्सन कंट्रोल का पूरे फीचर्स अटैच करने हैं, जॉयस्टिक और ये मतलब यार पूरी मोबाइल के लिए होगा, मतलब यार मोबाइल कंट्रोल FPS आप कर सकते हो, पूरा सेटअप होगा। अब हमें क्या करना है, मेन कैमरे को उसके अंदर प्लेयर का हाई अटैच करना है, एक UI ऐड करना है हमारा कैनवास और ये कैनवास को हमें क्या करना है, कैनवास में अटैच करना है आपको एक इमेज, UI में जाना है और इमेज सिलेक्ट करना है और कैनवास के अंदर हायरार्की में अटैच कर देना है। अभी ये इमेज को आपको कैसे सेटअप करना है, सबसे पहले 2D पर सिलेक्ट कर देना है वहाँ पर टॉप ऊपर कॉर्नर में और वहाँ पर आपको क्या करना है, फिर 2D मोड में आने के बाद आपको थोड़ा इसे अपने मतलब यार जितना भी आपको टच एरिया चाहिए जहाँ पर मतलब यार हमारा इजीली यूज़र टच कर पाए, मतलब यार मोबाइल कंट्रोल में जो टच इनपुट होता है वही हमें मिलता है, तो वो टच इनपुट के लिए हमें मतलब यार थोड़ा सेटअप करना होगा और इसे थोड़ा आपको ज़्यादा ही स्केल करना है जिस हिसाब से मतलब यार आपको डिस्प्ले का साइज़ के अकॉर्डिंग आप मतलब यार कर सकते हो इसे सेटअप, मतलब जिस अकॉर्डिंग अपना डिस्प्ले का साइज़ होगा उसी अकॉर्डिंग आपको करना है और फिर नहीं क्या उस इमेज को उसके कलर पर जाके उसको अल्फा का स्लो कर देना है पूरा, मतलब यार कम कर देना है अल्फा को जो आपको दिखा को मिल गया होगा। अब आपको फिक्स प्रीफैब में जाके जॉयस्टिक पैक में प्रीफैब में जाके फिक्स जॉयस्टिक को आपको अटैच कर देना कैनवास में। अब ये जो जॉयस्टिक है इसको भी आपको सेटअप करना है, मतलब यार मेनली जो हमारा डिस्प्ले जितना मतलब यार गेम का साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग आपको ये जॉयस्टिक को सेटअप करना है। तो मैं इसे मिनिमाइज़ कर देता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज डिक्रीज़ कर देता हूँ। अभी यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सेटअप करूँगा और इसका और साइज़ डिक्रीज़ करूँगा, कलर चेंज कर देता हूँ, मैंने मतलब ये कलर वाइट कलर आपको शो नहीं होगा तो इसीलिए मैं इसका कलर चेंज कर दूँगा, थोड़ा ब्लैकिश में करूँगा। तो सबसे पहले इसे मैं सेट कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू माय डिस्प्ले। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे नीचे स्क्रॉल करके थोड़ा अटैच कर देता हूँ जूम करके और थोड़ा सा इसका साइज़ डिक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, मतलब जिस अकॉर्डिंग ये हमें हमारा जॉयस्टिक जिससे हमारा मतलब यार प्लेयर मूव करेगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा मतलब यार जॉयस्टिक से अटैच कर देना FPS कंट्रोल के लिए और इसे कलर दे देता हूँ मैं फास्ट में एक ब्लैक कलर और इसे थोड़ा सा ब्राउनिश रेड, मतलब यार रेड कलर में समथिंग रेड ब्लैक में और यहाँ पर हमें क्या मिलेगा इसे भी हम लोग कर देते हैं ब्लैक कलर में। अभी हमारा हो चुका है सेटअप जॉयस्टिक, उसको थोड़ा अप कर देता हूँ कि ये थोड़ा ज़्यादा ही नीचे हो गया। अभी हमारा जॉयस्टिक सेटअप हो गया, आपको भी ऐसे जॉयस्टिक सेटअप कर ले। अब जॉयस्टिक सेटअप होने के बाद मेनली मैं आगे का प्रोसेस फॉलो करना है,
तो इस जॉयस्टिक को पहले मैं सेट कर देता हूँ। अब हमें क्या करना है, ये फेस जॉयस्टिक हो चुका है, अब प्लेयर वाले टैब में जाना और यहाँ पे ऐड कंपोनेंट में आपको प्लेयर में कैरेक्टर कंट्रोलर ऐड कर देना है। और हम लोग क्या करते हैं यार, ये जो इमेज वाला सेक्शन है वहाँ पे जो मैंने स्क्रिप्ट डिस्क्रिप्शन में दी थी वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और यहाँ पे फिक्स टच फील्ड नाम की जो स्क्रिप्ट होगी उसको अपने इमेज के इसमें ऐड कर देना है, इमेज में ऐड कंपोनेंट में जाके ये स्क्रिप्ट को अटैच कर देना, बस इतना काम करना है। ये स्क्रिप्ट का इतना ही काम होगा जो मतलब यार टच इनपुट लेगा, और मतलब यार ये टच इनपुट के थ्रू हमारा प्लेयर मूव करेगा, मतलब यार रोटेशन होगा उसका, ठीक है। अब क्या करना है, हमें कैरेक्टर कंट्रोल अटैच कर दिया, अब हमें ये स्क्रिप्ट अटैच करनी है जो है फर्स्ट पर्सन स्क्रिप्ट, तो चलिए मैं यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, सॉरी ये दूसरा स्क्रिप्ट है, तो चलिए यहाँ से मैं ड्रैग करके इसे अटैच कर देता हूँ। आपको भी एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिल जाएगी उसी में कोड होगा पूरा, तो स्क्रिप्ट डायरेक्टली भी आप मैनुअली अटैच कर सकते हो। तो ये जो कोड है ये स्क्रिप्ट के साथ ही मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसको डायरेक्ट अपने प्लेयर्स में अटैच कर देना, और कुछ नहीं करना है यार, इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों चलिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक फ्लोट डब्ल्यू गोज़ टू फाइव है, जो मतलब हमारी आगे चल के स्पीड में आसान हो रहा था, तो मैं क्या करता हूँ डब्ल्यू को हटा के स्पीड कर देता हूँ। अब मत करना यार कुछ भी कोड को एडिट, क्योंकि यार कोड वैसे ही है, बस ये मैंने थोड़ा मतलब सिंपलिसिटी के लिए अगर आपको शीशा पाता तो समझ जाओगे। अब फ्लोट हॉरिजॉन्टल में हम लोग जॉयस्टिक डॉट हॉरिजॉन्टल मतलब उसका इनपुट लेंगे, और वो फ्लोट वर्टिकल में जॉयस्टिक डॉट वर्टिकल का इनपुट। यहाँ पे हमने फिक्स जॉयस्टिक को मतलब असाइन किया जो है पब्लिकली, तो उसे हम फिक्स जॉयस्टिक का जो भी मतलब ऑब्जेक्ट होगा उसे असाइन करा होगा। वेक्टर थ्री मूव डायर इक्वल्स टू ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड इनटू वर्टिकल, मतलब यार हमारा क्या होगा वर्टिकल इनपुट लेगा, अगर जॉयस्टिक हमारा मतलब वर्टिकल में अगर कुछ भी मूवमेंट नहीं करता है तो जीरो का, और मतलब यार ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड भी जीरो हो जाएगा, मतलब यार ये राइट साइड वाला ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड इनटू वर्टिकल जीरो हो जाएगा, और ट्रांसफॉर्म डॉट राइट इनटू हॉरिजॉन्टल अगर हम हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इनपुट मिलेगा, तो फिर वो मतलब यार वो जीरो नहीं होगा, तो इसीलिए हम लोग हॉरिजॉन्टली मूव कर पाएंगे। और वही से वाइस वर्सा, अगर हम लोग यार हॉरिजॉन्टल में जीरो होगा और यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं वर्टिकल में मूवमेंट कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल तो जीरो ही होगा, तो फिर हमारा वो ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड वो भी जीरो हो जाएगा और वर्टिकल इनटू जीरो, तो प्लस के इधर वाला जीरो हो जाएगा और हम इजीली मूवमेंट कर पाएंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। और यहाँ पे हमें एक यार प्लेयर कैमरा जो नॉट इक्वल टू नल है, तो ये हमारा यार टच फील्ड और जो फिक्स टच फील्ड है उससे इनपुट लेगा, उसे हमें असाइन करना होगा। फिर यहाँ पे हम लोग कुछ माउस एक्स और माउस वाई में स्टोर करेंगे, और ये वर्टिकल रोटेशन माउस वाई माइनस उसे असाइन करेंगे और इसे स्टोर कर देंगे। माइनस इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमें माइनस वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि मतलब हम लोग एक वाई एक्सिस में रोटेट करने वाले हमारे कैमरे को, तो इसीलिए हमें वो चाहिए होगा। और एक्स एक्सिस में भी हमें रोटेट करना होगा अप एंड डाउन, और यार वाई एक्सिस में हमें रोटेट करना होगा, तो मतलब हम लोग इजीली मूव कर पाएंगे हमारे कैमरे को हर साइड में, तो इसके वजह से हमारा प्लेयर भी मूव करना चाहिए, इसलिए ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट भी हमने कर दिया, जिसकी मदद से हमारा जो कैमरा है वो भी मूव करेगा, प्लेयर के साथ साथ प्लेयर भी मूव करेगा, मतलब प्लेयर का जो फेस है, तो ट्रांसफर डॉट रोटेट वो प्लेयर का है जो मतलब यार हमें प्लेयर को भी रोटेट करने के लिए काम आएगा जो लास्ट में था। तो इसे हमें असाइन कर देना ये पूरे कोड को स्टफ को, और हमें इसे कर देना सेव, मतलब सेव करने के बाद नहीं, अब इसे हम लोग असाइन कर दिए हमारे प्लेयर को। अब ये हमारा मतलब जो स्क्रिप्ट है अटैच हो गया, अभी हमें क्या करना है, जो भी मतलब वैल्यूज थी जो भी मतलब हमारा स्क्रिप्ट है और वो सब अटैच कर देना। तो फिक्स जॉयस्टिक सबसे पहले आपको अटैच कर देना, फिर यहाँ पे जो इमेज है उसमें हमने फिक्स टच फील्ड अटैच किया था उसे यहाँ पे अटैच करना है, इमेज को अटैच करना है याद रखना और ध्यान में रखना, ये फिक्स टच फील्ड की स्क्रिप्ट अटैच नहीं करना, कैनवास में जो इमेज है उसे असाइन करना है। अब हमें कैरेक्टर कंट्रोल को असाइन कर देना जो प्लेयर में ही हमने अटैच किया था, और यहाँ पे हमें प्लेयर कैमरे को भी अटैच कर देना है, जिसकी मदद से हमारा प्लेयर मतलब कैमरा रोटेट हो पाए और ट्रांसफर डॉट रोटेट से हमारा प्लेयर भी रोटेट हो पाए। अब हमने ये सब कर दिया सेटअप, अब हमारे मतलब इजीली हमारा कोड भी अटैच हो चुका है, और ये हमारा FPS का अगर हम ट्राई करेंगे प्ले करने का तो यार मतलब यार इजीली ये प्ले हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पे मटेरियल अटैच कर देता हूँ हमारे ग्राउंड को, और कुछ स्टफ एक्स्ट्रा अटैच कर देता हूँ जिसके मदद से आप भी इजीली समझ पाओ कि हमारा प्लेयर मूव कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे ग्रीन मटेरियल थोड़ा ग्रीन कलर का मटेरियल बना देते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड करते हैं जैसे कि सिंपल क्यूब्स, जिसके मदद से हमारा मतलब प्लेयर इजीली रोटेट जब हम लोग मूव कर पाए तो हमें मतलब दिखे रिजल्ट, आपको भी दिखे। वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया था FPS का कंट्रोल, और उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा स्टफ ऐड किया था जैसे शूटिंग के फीचर्स और वो डांसिंग वांसिंग, वो मैंने ब्लेंडर में बनाया था, मेनली ब्लेंडर पे भी आपको जल्दी सुन वीडियो मिलने और देखने को मिल जाएगा। और यार मैं एक न्यू मतलब यार ग्रानी का गेम भी क्रिएट करने वाला हूँ, तो उसके रिलेटेड ये वाला FPS कंट्रोल उसमें ऐड ज़रूर होने वाला है। तो यार अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही चल गया होगा कि FPS कंट्रोल कैसे यूज़ करना है। तो यही था आज का वीडियो,
वीडियो देख सकते हो। मतलब यार इसमें FPS कंट्रोल का फुल फीचर्स मैंने आपको बता दिए। अगर आपको गेम में भी ऐसा यूज़ करना है FPS कंट्रोल, तो आप यार ये स्टेप फॉलो कर सकते हो। मेनली यार मुझे तो स्टार्टिंग में मिलने, मतलब यार ये पूरा जो भी स्टफ है ये मिल ही नहीं रहा था, लेकिन फिर बाद में मैंने मतलब बहुत सारे लेक्चर्स देखे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देखे, फिर जाके मुझे मतलब ये कंट्रोल FPS कंट्रोल का मतलब यार ये मिल गया, ये दोनों स्क्रिप्ट और इसके मदद से इजीली मतलब FPS कंट्रोल हो रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी हमें क्या करना है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट्स अटैच कर दिए मेनली बहुत सारे और इसे मतलब थोड़ा स्केल कर देता हूँ इजीली देख सके। तो चलिए अब हम लोग ट्राई करते हैं इसे प्ले करने का। तो यहाँ पे हमारा प्लेयर हो चुका है और यहाँ पे सब कुछ असाइन हो चुका है, देख सकते हो मैंने पूरा असाइन कर लिया। तो एक बार चेक कर लेते हैं और अब हम लोग इसे मैक्सिमाइज करके प्ले करेंगे। और हमारा जॉयस्टिक थोड़ा सा यहाँ से साइड हट गया है, आई थिंक सो हमें जॉयस्टिक को थोड़ा अटैच करना होगा, क्योंकि मैंने जॉयस्टिक को थोड़ा ज़्यादा ही, हमारा जो स्क्रीन साइज है उसके हिसाब से हमारा जॉयस्टिक थोड़ा बाहर चलेगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कैनवास में जाते हैं 2D में, इसे मतलब थोड़ा स्मॉल साइज़ में कर देता हूँ। अभी उसे एडिट करते बैठूँगा तो और टाइम लगेगा, इसलिए स्मॉल साइज़ में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ चुका है मेरा जॉयस्टिक इजीली और हम लोग कैमरे को भी रोटेट कर सक रहे हैं। और अगर आप ये मोबाइल में भी ट्राई करोगे एक्सपोर्ट करके बिल्ड सेटिंग में जाके, तो मतलब यार ईजिली वर्क करेगा, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में देखा था वीडियो में। तो ये था दोस्तों FPS कंट्रोल, इजीली आप क्रिएट कर सकते हो अपने मोबाइल गेम्स के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।